नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करेंगे पशुधन सहायक के ब्रीड्स के बारे में। और नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा गोट के बारे में। गोट बकरियां जो पूरे बात पहले बात करते हैं पूरे विश्व की गोट के बारे में। गोट पूरे विश्व की 17% भारत के अंदर पाई जाती है। बकरी की अपने बात कर रहे हैं, बकरी पूरे विश्व की 17% बकरियां जो कि भारत के अंदर पाई जाती है। अब अपने बात करें भारत की जनसंख्या में बकरियों की जनसंख्या कितनी है, भारत के अंदर बकरियों की जनसंख्या कितनी है, तो भारत के अंदर बकरियों की जनसंख्या है 135.7 मिलियन भारत में। नेक्स्ट अपने बात करें 135.7 मिलियन है तो कितने परसेंट के अंदर गोट है, 26.40% में। कुल पशुधन का भारत के अंदर जो बकरियों की संख्या है 135.7 मिलियन और भारत के अंदर जो बकरियों की औसतन एवरेज है वो है 26.40%। नेक्स्ट अपने बात करें राजस्थान के अंदर बकरियों की जनसंख्या कितनी है, राजस्थान के अंदर बकरियों की जनसंख्या है 2.16 करोड़ जो है 37.53%। पिछली बार LSA का यही क्वेश्चन था कि राजस्थान के अंदर बकरियों की जनसंख्या कितनी पाई जाती है, 2.16 करोड़, 37.53%। अब बात करें पूरे विश्व का, भारत बकरी का कितने परसेंट दुग्ध का उत्पादन करता है। अगर पूरे विश्व की बात करें भारत में तो 2% दुग्ध उत्पादन किया जाता है, दुग्ध उत्पादन गोट से बकरी के द्वारा, बकरी का। और नेक्स्ट अपने बात करें भी बकरी के मीट को क्या कहते हैं, तो सबसे पहली बात भी बकरी के मीट को कहते हैं चेवन। और गोट के अगर बोटनिकल नेम की बात करें कैप्रा हिरकस। क्रोमोसोम की बात करें, गुणसूत्र की बात करें, गुणसूत्र तो बकरी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 60। और बकरी के गर्भकाल की बात करें, गर्भकाल की तो 5 माह है 5 दिन। ये तो रही एक जर्नली सी बात। अब अपने पढ़ेंगे बकरी की ब्रीड के बारे में, उससे पहले एक बार रीडिंग कर लेते हैं बकरी की। बकरी का बोटनिकल नेम की बात करें तो कार्परा हिरकस। और गुणसूत्र की बात करें तो बकरी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 60। गेस्टेशन पीरियड गर्भकाल की बात करें तो बकरी के अंदर बकरी का जो गर्भकाल है 5 माह है 5 दिन। पूरे विश्व की 17% बकरियां भारत के अंदर पाई जाती है और भारत के अंदर बकरियों की जनसंख्या कितनी है, 135.7 मिलियन, लगभग 26.40% बकरियां भारत में पाई जाती है पूरे विश्व की। अगर राजस्थान में बकरियों की जनसंख्या की बात करें तो 2.16 करोड़, 37.53% बकरियां राजस्थान में पाई जाती है। पूरे विश्व का बकरियों से जो दुग्ध उत्पादन हो रहा है वो 2% दुग्ध उत्पादन बकरियों से भारत के अंदर हो रहा है। बकरी के मीट को, मांस को चेवन कहते हैं। ये तो रही बकरी की जर्नली सी बात। अब अपने बात पढ़ेंगे बकरी की ब्रीड के बारे में। बकरी की ब्रीड के बारे में पढ़ेंगे नॉर्मली बकरी का, ये तो बेसिक नॉलेज था। अब अपने बकरी की ब्रीड के बारे में बात करें, ब्रीड से पहले एक बात और है, सबसे ज्यादा बकरियों की बात करें तो बाड़मेर में, और सबसे कम बकरियों की बात करें धौलपुर में। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बकरियां बाड़मेर में पाई जाती है और राजस्थान के अंदर सबसे कम बकरियां धौलपुर में पाई जाती है। और राजस्थान का इतिहास मेवाड़ भी काफी बड़ा है, मेवाड़ और मारवाड़। तो सबसे पहले अपने क्यों ना बकरी की ब्रीड की बात करें तो अपने राजस्थान के मध्यस्थ से, लगभग मध्यस्थ के आसपास उत्तरी पश्चिमी के क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो बकरियों की ब्रीड पाई जाती है वह सबसे ज्यादा जो
ऊंचाई के अंदर सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा अधिक उत्पादन देती है। अब अपने बात करते हैं मारवाड़ी की। मारवाड़ी की, मारवाड़ क्षेत्र अपना जोधपुर है, तो ये बकरी कहां पाई जाएगी? पहली तो जोधपुर के अंदर, फिर जोधपुर से सटे हुए इलाकों में पाई जाती है, तो जोधपुर के पास में सीमा लगती है बीकानेर की, बीकानेर, जोधपुर के पास लगता है नागौर, नागौर में भी पाई जाती है, और फिर जोधपुर के बाद की बात करें तो बाड़मेर, बाड़मेर की भी सीमा जोधपुर से लगती है, जैसलमेर, जैसलमेर से भी सीमा लगती है। अब ऐसा तो है नहीं भी मारवाड़ी बकरी है, मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर है, अगर वो बकरी बीकानेर में जाए या नागौर में जाए, बाड़मेर में जाए, जैसलमेर में जाए, तो वो तो जानवर है, अपने उसे गोली तो मार नहीं सकते। और हर व्यक्ति इस तरह की बकरी, जो मारवाड़ी नस्ल की बकरी, पालना भी चाहता है, क्योंकि अब जो बकरी मारवाड़ी बकरी है, जो मारवाड़ से लगे हुए क्षेत्र में पाई जाती है, और मारवाड़ को अपने पूर्णतया जोधपुर ही कहते हैं। आज के दौर में अगर मारवाड़ की बात करी जाए तो जोधपुर को कहते हैं। अब मारवाड़ ब्रीड की बात आए तो मारवाड़ ब्रीड का रंग कैसा है? एक तो जेड ब्लैक कलर है, जेड ब्लैक रंग है। दूसरी इसकी बात करें तो मध्यम इसका आकार है, मध्यम आकार की। और तीसरी अपने बात करें तो इस बकरी का अयन भी संपूर्णतया पूर्ण विकसित है, अयन पूर्ण विकसित है। दूध और मीट के लिए पाली जाती है, दूध और मांस के लिए पाली जाती है, मांस के लिए पाली जाती है। अब अपने बात करें मारवाड़ी नस्ल की बकरी की। मारवाड़ी है जो कि जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। मारवाड़ी ब्रीड का, बकरी की जो मारवाड़ी ब्रीड है, इसका कलर कैसा है? जेड ब्लैक रंग है, मध्यम आकार की है, अयन सुविकसित है, दूध और मीट के लिए पाली जाती है। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो अपने एग्जाम से संबंधित रिलेटिव बातें हैं। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं सिरोही नस्ल की ब्रीड के बारे में। सिरोही नस्ल की बकरी कहां पाई जाती है और इसका कैसा कलर है? सिरोही, नाम से ही पता चल रहा है कहां पर पाई जाएगी, सिरोही के अंदर ही पाई जाएगी। सिरोही, देखो ब्रीड के अंदर क्या है कि अब जैसे सिरोही नस्ल की, इसका मुख्य केंद्र सिरोही है, और जो सिरोही के आसपास लगे हुए क्षेत्र में पाई जाती है, सिरोही व इसके आसपास क्षेत्र, इसके आसपास के क्षेत्र में पाई जाएगी, इसके आसपास के क्षेत्र में। अब अगर इसके कलर की बात करें तो सिरोही नस्ल की बकरी का रंग ब्लैक और भूरा, भूरा और काला, और काले रंग की बकरी है। सिरोही नस्ल की बकरी दो से तीन बच्चे पैदा करती है, दो से तीन बच्चे पैदा करती है, दो से तीन बच्चे देती है। मुख्यतः मीट के लिए पाली जाती है, मीट पर्पज, मांस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है, मांस उत्पादन हेतु पाली जाती है। सिरोही, सिरोही नस्ल की बकरी सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है, और इसका रंग की बात करें भूरा और काला इसका रंग है, दो से तीन बच्चे देती है, और मीट पर्पज के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं काठियावाड़ी। काठियावाड़ी, काठियावाड़ी बकरी का कलर कैसा है? सबसे पहली बात तो ये, और काठियावाड़ी कहाँ पाई जाती है? सबसे पहली बात तो ये, काठियावाड़ी कहाँ है? गुजरात के अंदर है। और ये जो बकरी पाई जाएगी
गुजरात से सटे हुए इलाकों में पाई जाएगी। अब गुजरात से सटे हुए इलाकों की बात करें तो गुजरात के पास मुख्यतः कौन लगता है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर इसके कलर की बात करें, इसका भी कलर ब्लैक है। लगभग सभी बकरियों का कलर ब्लैक है, बस उसके अलग अलग सिम्टम है। इसके कलर की बात करें तो काले रंग की है, काले रंग की है। और दूसरी इसकी बात करें तो इसकी गर्दन के ऊपर लाल रंग के धब्बे जो पाए जाते हैं वो काठियावाड़ी नस्ल की बकरी के ऊपर पाए जाते हैं। काले रंग की गर्दन पर लाल धब्बे पाए जाते हैं, लाल धब्बे पाए जाते हैं। मांस व दूध के लिए पाली जाती है, मांस व दूध हेतु पाली जाती है। काठियावाड़ी की अपने बात करें, काठियावाड़ी उत्पत्ति गुजरात की है इसकी, काठियावाड़ी नस्ल नाम से पता चल रहा है। और काठियावाड़ी गुजरात में है और गुजरात से सटे हुए इलाकों में पाई जाती है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। रंग कैसा है? काला रंग है, गर्दन पर लाल रंग के धब्बे हैं और स्पेशली मीट और दूध के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे जकराना, जकराना नस्ल की बकरी कहाँ पाई जाती है? जकराना नस्ल की बकरी पाई जाती है अलवर के अंदर, जकराना। जकराना अलवर की बैरोड तहसील में, अलवर की बैरोड तहसील में। जकराना नस्ल की बकरी दूध हेतु प्रसिद्ध है और जकराना नस्ल की बकरी का कलर काला। इसके क्या गर्दन पे काठियावाड़ी के लाल थे, इसके गर्दन और कान के ऊपर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। गर्दन वे कान पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। दूध हेतु पाली जाती है, दूध के लिए पाली जाती है। जकराना नस्ल की बकरी अलवर की बैरोड तहसील में पाई जाती है, अलवर की प्रसिद्ध है। जकराना की और कोई विशेषता नहीं है, जकराना की बकरियां सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। बकरी का रंग ब्लैक कलर है और बकरी की बात करें ब्लैक कलर है, गर्दन और कान के ऊपर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं और मुख्यतः दूध के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे जमुनापुरी, जमुना परी। परी है बड़ी दूर से आई है, परी बड़ी दूर से आई है। सबसे पहली बात जमुनापुरी बकरियों के अंदर सबसे बड़ी नस्ल, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नस्ल बकरियों की। अगर सबसे बड़ी नस्ल की बात करें तो जमुनापुरी। दूसरी इसकी विशेषता रोमन नोज, रोमन नोज। नोज है जो बालों से ढका हुआ है, तोते के मुंह के समान मुंह है। नाक बालों से ढका हुआ है, ढका हुआ है तोते के समान। अब बात करें तोते के समान, जैसे तोते की चोंच बाहर रह जाती है वैसे। अगर इसके कलर की बात करें सफेद और पीला, सफेद प्लस पीला, सफेद पीले रंग की, सफेद या पीले रंग की। और ये बकरी जो दूध का उत्पादन है 1.5 से 2 किलो दूध देती है।
अब बात कर रहे हैं अपने बकरी की जमुनापारी की। जमुनापारी बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है और जमुनापारी की दूसरी विशेषता रोमन नोज है। सिर्फ एक ही बकरी के अंदर रोमन नोज पाया जाता है। दूसरी अपने बात करें तो इसका नाक मुंह है जो बालों से ढका हुआ है, तोते के मुंह के समान इसका मुंह है, नाक के ऊपर बाल पाए जाते हैं। और इसके रंग की बात करें, सफेद और पीला इसका रंग है। और इसके दूध की बात करें, 1.5 से 2 किलो दूध प्रतिदिन देती है। नेक्स्ट अपने बात करें पर्वत श्री की। पर्वत श्री, पर्वत सर कहाँ है? पर्वत सर का मेला प्रसिद्ध है, पर्वत श्री नागौर में पाई जाती है, नागौर व अजमेर में। क्योंकि पर्वत सर से अपने को वैसे ही पता है पर्वत सर कहाँ है, नागौर में है, तो कहाँ पाई जाएगी? नागौर में ही पाई जाएगी। इसके अलावा तो और इसका कोई जगह ही नहीं है। और इसके रंग की बात करें, भूरे रंग की बकरी है, भूरे रंग की बकरी है। ऐसे अगर बकरियों की बात की जाए तो बकरी ज्यादातर मीट पर्पज के लिए ही पाली जाती है। पर्वत श्री नागौर की है, नागौर और अजमेर में पाई जाती है। इसके रंग की बात करें तो इसका भूरा रंग है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं झालावाड़ी की। झालावाड़ साइड में पाई जाती है। झालावाड़ी की एक बहुत ही बड़ी विशेषता है झालावाड़ी, नाम से पता चल रहा है कहां पाई जाएगी, झालावाड़ में पाई जाएगी। और इसकी मुख्य विशेषता है, पहला तो इसका कलर कैसा है, काला रंग है। फिर इसके कान की अगर बात करें, काला रंग है, कान पर सफेद धब्बे हैं, काला रंग, कान पर सफेद धब्बे, कान पर सफेद धब्बे। जैसे गिर गाय के अंदर कान पत्ती नुमा है, वैसे ही इसके अंदर भी इसके कान पत्ती नुमा है, कान पत्ती नुमा। देखो सभी ब्रीड अपने आप को किसी न किसी करेक्टर में अलग कर रही है। मुख्य करेक्टर की बात करें, झालावाड़ी रंग काला, कान पर सफेद धब्बे और कान है जो पत्ती नुमा कान है, मीट के लिए पाली जाती है, मीट है तो मांस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। झालावाड़ी रंग की बात करें, काला रंग है, कान पर सफेद धब्बे हैं और कान है जो पत्तीनुमा पाए जाते हैं और मीट पर्पज के लिए पाली जाती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बारबरी की। बारबरी राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है, भरतपुर क्षेत्र में। और दूसरी इसकी बात करें, बकरियों की सबसे छोटी नस्ल है, सबसे छोटी नस्ल। तीसरी अपने बात करें, डेयरी फीडिंग के लिए सबसे बढ़िया है, डेयरी फीडिंग, डेयरी फीडिंग या स्टॉल फीडिंग के लिए सबसे बढ़िया है, डेयरी फीडिंग के लिए सबसे बढ़िया है, के लिए उत्तम। और इसके रंग की बात करें, रंगों में क्या है, इसमें बहुत ज्यादा विविधता है। लगभग मुख्यतः भूरे व सफेद रंग की है, भूरे रंग की और सफेद धब्बे। एक बार में 2 से 3 बच्चे पैदा करती है, 2 से 3 बच्चे देती है। बात करें अपने बारबरी की, बारबरी भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। बकरियों की सबसे छोटी नस्ल है, डेयरी फीडिंग के लिए सर्वाधिक बेस्ट है और दूसरी 2 से 3 बच्चे देती है। और रंगों की बात करें तो रंग के अंदर इसके ज्यादा बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है, क्योंकि
भूरा रंग है, सफ़ेद धब्बे हैं, किसी के अंदर लाल सा रंग भी है, भूरा भी है, हल्का ब्लैक भी है, हल्की सफ़ेद रंग की भी है। लगभग मैक्सिमम रंग की बात की जाए तो इसका रंग भूरा रंग है और सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। और बकरी की बात करें अपने बीटल की, नेक्स्ट अपने बात करते हैं बीटल की। डेरी टाइप बकरी है, डेरी टाइप बकरी है, जमुनापारी से थोड़ी सी छोटी है, जमुना परी से थोड़ी छोटी है। 90% तक इसका रंग काला है, 90% रंग काला है। बिटल के कान लंबे हैं, कान लंबे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता, हर वातावरण में रह जाती है, वातावरण में सुपर सफिशियंट है, अनुकूलता में सुपर है, अनुकूलता अनुकूलता में सुपर है। और यह मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती है, मांस के लिए पाली जाती है। बीटल डेरी टाइप बकरी है, जमुनापारी से थोड़ी छोटी है, 90% रंग काला है, कान लंबे है और मुख्यतः मांस के लिए पाली जाती है। इतने ही बीटल के मुख्य कैरेक्टर है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सूरती की। सूरती एक भैंस की भी नस्ल है, सूरती एक बकरी की भी नस्ल है। सूरती सूरती पहली बात तो ये सफेद रंग की बकरी है, दूसरी इसकी विशेषता नर बकरी है, जो मादा बकरी है वो नर से भारी है, मादा बकरी नर से भारी है। सूरती की अपने बात कर रहे थे, सूरती की अपने बात कर रहे थे, सूरती सफेद रंग की बकरी है, मादा बकरी नर से भारी है और दुग्ध उत्पादन अच्छा है, दुग्ध उत्पादन उत्तम है, मुख्यतः दूध के लिए पाली जाती है। वैसे सभी बकरियां दूध व मीट के लिए पाली जाती है। सूरती सफेद रंग की बकरी है, मादा बकरी नर से भारी है और दूध के लिए पाली जाती है। अब बात करें अपने बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल की, बकरी की सबसे बड़ी नस्ल, बकरी की सबसे बड़ी नस्ल जमुनापारी, जमुनापारी। और बकरी की सबसे छोटी नस्ल थोड़ी देर पहले अपनों ने की थी बारबरी। अब दो बकरियां और है जो मुख्यतः काफी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, दो बकरियां और है जो काफी प्रसिद्ध है, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। सबसे पहली अंगोरा नस्ल की बकरी से, अंगोरा नस्ल की बकरी से मोहरे प्राप्त होते हैं, मोहरे प्राप्त होते हैं। और कश्मीरी नस्ल की बकरी से, कश्मीरी नस्ल की बकरी से पश्मीना प्राप्त होते हैं।
अब बात करें भेड़ की तरह दिखाई देने वाली बकरी, भेड़ की तरह दिखाई देने वाली बकरी। अगर भेड़ की वैसे बात करें तो भेड़ येलो कलर की है, और अगर थोड़ी वाइट भी है, और वाइट कलर की बकरी कौन है जिससे मोरे प्राप्त हो रहे हैं? लगभग अंगोरा बकरी है जो मोरे प्राप्त हो रहे हैं, सफ़ेद रंग की है। तो कुछ एक दो बकरियां और भी रह गई है, देवगढ़ी बकरी, सभी को पता है राजसमंद जिले में पाई जाती है, देवगढ़ में। और जर्सी ऑफ गोट, जर्सी ऑफ गोट, अंगोल न्यूबियन, अंगोल न्यूबियन। इसे जर्सी ऑफ गोट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फैट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। दूसरी अपनी बात करें, सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली बकरी, सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली बकरी, बच्चे देने वाली, बच्चे देने वाली, ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल ऐसी बकरी जिसमें नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है, नर व मादा दोनों में दाढ़ी, ब्लैक बंगाल। और सानेन, अब बात करें बकरियों में दूध की रानी, दूध की रानी, सानेन, सानेन। उत्पत्ति, उत्पत्ति स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जर्सी ऑफ गोट, अंगोल न्यूबियन, सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली बकरी ब्लैक बंगाल, नर व मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है ब्लैक बंगाल और सानेन, दूध की रानी सानेन, दूध की रानी सानेन। सानेन की उत्पत्ति स्विट्जरलैंड से हुई है। सानेन की अगर लैक्टेशन पीरियड की बात करें, दुग्ध काल की, दुग्ध काल 8 से 10 महीने, सानेन की अगर दुग्ध काल की बात करें तो 8 से 10 महीने। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र मखदूम, मखदूम उत्तर प्रदेश, केंद्रीय बकरी अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र मखदूम यूपी। ये बकरियों से मुख्य मुख्य विशेषता थी। और वैसे बकरियों की अगर नस्ल की बात करें, नस्ल कितनी पाई जाती है, तो 20 नस्ल पाई जाती है, 20 नस्लें पाई जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।